हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का टेक्निकल माजिद यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, हाई कोर्ट इलाहाबाद की तरफ से जो एक रिक्वायरमेंट्स निकाली गई है और ये रिक्वायरमेंट्स जो है कि रिव्यू ऑफिसर और जो है कि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के ऊपर निकाली गई है, जिसमें कि हर एक कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग डिवाइड किया गया है कि जनरल एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी इस पर वैकेंसी निकाली गई है। तो आज की इस वीडियो में इसी के ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने वाला हूँ। तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, आप इस ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं, इसमें पेमेंट आपको कैसे करनी और पेमेंट कितनी करनी है, और आप इसके फॉर्म को कैसे फिलअप किया जा सकता है, ठीक, इसमें क्या जो है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग, ग्रेजुएशन मांगा गया या फिर इंटर मांगी गई है या फिर डिप्लोमा मांगे, जो भी मांगा गया आज की इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर विजिट करना इलाहाबाद कोर्ट डॉट इन पर यहाँ पर विजिट करना, उसके बाद आना आपको नीचे और यहाँ पर आपको जो सेकंड नोटिस मिल रहा है यहाँ पर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एंड यहाँ पर कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2021 पर आपको क्लिक करना। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 17/8/2021 से स्टार्ट है एंड 16/9/2021 की इसकी लास्ट डेट है। ठीक, तो यहाँ पर आपको HTML लिखा होगा, HTML फाइनली आपको HTML पर क्लिक कर देना है। ठीक, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ HTML पर। तो जब आप HTML पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हाई कोर्ट, और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताई गई है कि कब से स्टार्ट है एंड कब लास्ट डेट, यहाँ पर RO एंड ARO के लिए, और यहाँ पर आपको पर लेवल बताया गया है असिस्टेंट रिव्यू के लिए। यहाँ पर तीन पद यहाँ पर है, एक है रिव्यू ऑफिसर, ठीक है, और एक है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर जो कि 350 वैकेंसी निकाली गई, एक कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए जो कि 15 निकाली गई। इनका लेवल 8 है और 7 और 4 है। तो इनकी पेमेंट आप लोग देख सकते हैं कि पेमेंट सिलेक्शन होने के बाद 47,000 से लेकर 1,51,000 तक ऐसे इसमें आप लोग देखा जा सकता है। इसमें क्या मांगा है, आप लोग यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्यूटर क्वालिफिकेशन मांगी गई है, फिर ग्रेजुएशन कंप्यूटर क्वालिफिकेशन एंड ग्रेजुएशन कंप्यूटर क्वालिफिकेशन इसमें भी मांगी गई है। ठीक, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और मैं चलता हूँ यहाँ पर। आप यहाँ पर आपको दो लिंक मिलेगा, पहले इलाहाबाद कोर्ट डॉट कॉम डॉट इन मिलेगा और दूसरा है कि रिक्वायरमेंट्स डॉट इन, ठीक है, डॉट एन आई सी डॉट इन। ठीक, आप इन्हीं से आपको जो कि फॉर्म को फिलअप किया जा सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पर सेकंड वाले जो रिक्वायरमेंट्स डॉट इन टी ए डॉट एन आई सी डॉट इन है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो आप इसका जो फॉर्म है वो एन टी ए रिलीज़ किया है तो एन टी ए से ही आपको इसको फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक, यहाँ पर देखिए आप और इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप लोग एन टी ए का लोगो यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो एग्ज़ाम है वो एन टी ए करवाएगा। ठीक, आप लोग नीचे आइएगा और यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हाई कोर्ट, ठीक, लेटेस्ट में है। तो फाइनली आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक, तो क्लिक करने के बाद आप लोग फिर उसी पेज पे आएंगे, बट उसी पेज पे होने के बाद आपको एक जो है कि नया पेज और नया कुछ यहाँ पर डिज़ाइनिंग आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर अभी पेज ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर देखें सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ऑफिशियली मिल जाएगी। आप यहाँ से जो है कि डाउनलोड इनका जो पीडीएफ फाइल है वो असिस्टेंट रिव्यू और जो है कि रिव्यू ऑफिसर के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, और एक कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्वायरमेंट जो निकाली उनके लिए भी डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक, यहाँ पर आपको चलिए नीचे चलते हैं, यहाँ पर देखें फिर वही सारे लेवल बताए गए हैं और आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा अप्लीकेशन फॉर RO एंड ARO मतलब कि रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, उसके बाद CA मतलब कंप्यूटर अप्लीकेशन वाला जो निकाला गया उसके लिए आप कर सकते हैं, उनकी लास्ट डेट बताएगी। चलिए सबसे पहले इनका पीडीएफ फाइल डाउनलोड करते हैं और इसमें जो है कि थोड़ा डीप में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जान लेता हूं। यहां पर देखिए मैंने इस पर क्लिक किया और डाउनलोड हो भी रहा यहां पर, तो जैसे ही ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा तो ये पीडीएफ यदि आप मोबाइल में ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिक ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए ये पीडीएफ फाइल ओपन हो चुकी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हाई कोर्ट इलाहाबाद। एंड यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको चैप्टर वन में इंट्रोडक्शन जो जहाँ जहाँ पर भी जो भी क्राइटेरिया बनाए यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर नंबर वाइज यहाँ पर बहुत ही आसानी से पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसका जो फॉर्म है स्टार्ट वो 17 अगस्त से लेकर आप जो है कि 16 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें आपको पेमेंट जो है कि ऑफिसर रिव्यू के लिए यहाँ पर 800 रुपये, जनरल ओबीसी के लिए निकाली गई, एंड SC ST के लिए 600 रुपये यहाँ पर निकाली गई है। ठीक, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम होगा वह CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जहाँ पर भी आपको देना होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको वेबसाइट बताएंगे कि आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, फिर यहाँ पर इंट्रोडक्शन बताए गए हैं तो आप इंट्रोडक्शन वगैरह रीड कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए रिव्यू ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो यहाँ पर देखिए रिव्यू ऑफिसर के लिए यहाँ पर मांगे गए बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, या फिर आप जो है कि डिप्लोमा, यहाँ पर देखिए डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फॉर रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड से आप पढ़ें तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास जो है कि CCC या फिर O-level लैंग्वेज होनी चाहिए तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि आपके पास कहाँ डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए
या फिर आप बैचलर से होते हैं और आपके पास जो कि ट्रिपल सी या फिर ओ लेवल जो जिसको बोला जाता है वो होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको पेमेंट बताया गया, ठीक है। तो ऐसे ही असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, और इसमें भी आपको डिप्लोमा डिग्री व क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जिसमें सी भी ट्रिपल सी भी मांगा गया है। तो यहाँ पर आपको टाइपिंग भी मांगी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग एस सी एस टी का थोड़ा सा जो छूट मिलती है यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर लगभग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आप इस पी डी एफ फाइल में देख ही चुके हैं। तो इनका जो एग्ज़ाम है वो एन टी ए करवाएगा, फिर यहाँ पर वही सारी चीज़ें बताई गई है कि आपके पास क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर लगभग ये यही सारी चीज़ें हैं, आप लोग नीचे जाएंगे तो और आपको जो है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर पेपर वन, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन होगा वो 200 मार्क्स का होगा, जो कि 3 घंटे में आपको सॉल्व करने होंगे। यहाँ पर निगेटिव मार्क्स के भी बारे में बताए गए हैं। तो आपका सब्जेक्ट कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पहले में जो है कि मल्टीपल क्वेश्चन सारे जो है कि रीजनिंग वगैरह से आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कंप्यूटर नॉलेज से भी आपको क्वेश्चन आएंगे सेकंड पार्ट में, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप इसका फॉर्म भर रहे हैं तो आप इस पी डी एफ फाइल को ज़रूर रीड करिएगा, इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हिंदी व इंग्लिश दोनों में आपको जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर लगभग यही सारी चीज़ें थी, आप लोग इस पीडीएफ फाइल को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। एक और पीडीएफ फाइल थी, चलिए मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर शिफ्ट वगैरह बताया गया, सेशन वगैरह, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं सारी चीज़ अगर आपको बताता चलूँ तो काफ़ी वीडियोज़ लॉन्ग हो जाएगी। चलिए एक जो था सीए के लिए वो उसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए था जो जिसकी थोड़ा पेमेंट कम थी, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए ये भी अभी डाउनलोड हो रहा है, तो ये भी पीडीएफ फाइल दूसरा ओपन हो चुका है, जिसमें कि आपको यहाँ पर फिर यहाँ पर सिलेबस वगैरह बताए गए हैं कि आपको कौन पेज पर क्या जानकारी मिलेगी, यहाँ पर पूरा लिस्ट किए गए हैं, ठीक है। और इसका भी फॉर्म जो है कि कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2021 का भी आप जो है कि पेमेंट इतनी है एंड एससी वालों के लिए इतनी है, फॉर्म की वही लास्ट डेट है, ठीक है। आप अप्लाई कर सकते हैं। और चलते हैं यहाँ पर एडमिट कार्ड के, अभी कुछ भी यहाँ पर डेट नहीं बताएंगे, बट इनका एग्ज़ाम जो है कि वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर ये फिर इंट्रोडक्शन यहाँ पर बताए गए हैं। हम लोग और नीचे चलते हैं, इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी, इसमें भी बैचलर डिग्री मांगी गई है और इसमें भी डिप्लोमा डिग्री मांगी गई है। यदि आप डिप्लोमा किए हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, आपके पास ट्रिपल सी फिर ओ लेवल है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं आप इस फॉर्म पर, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें वही बताई गई है। तो इसमें भी अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको सिलेबस वगैरह व फिर आपका एग्ज़ाम कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी। तो आप इस दोनों पी डी एफ फाइल को रीड कर लीजिएगा। चलिए मैं फॉर्म को अप्लाई करता हूँ कि आप फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आएंगे नीचे, यहाँ पर आप लोग देख लें, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर आर ओ एंड ए आर ओ एंड सी ए का मिलेगा। तो आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं फाइनली उस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो आप जिसके लिए अप्लाई करें उस पर आप लोग क्लिक करें, मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको ये देखिए यहाँ पर 4 स्टेप बताए जा रहे हैं, क्योंकि एन टी ए कोई भी फॉर्म रिलीज करता है ऐसे ही फिलअप करवाता है। अगर फॉर 4 स्टेप, पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा अप्लीकेशन फॉर्म, तीसरा फोटो सिग्नेचर एंड फीस अप्लीकेशन, जो फीस वो पेमेंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको लॉगिन तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास जो है कि एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड हुआ है नहीं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के आपको बटन मिलेगी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करना एंड यहाँ से जो है कि रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं आ चुका हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए, और यहाँ पर भी 4 स्टेप बताए जा रहे हैं आपको कैसे क्या चीज़ें करनी, यहाँ पर बताए गए पेमेंट वगैरह आपकी यहाँ पर बताई गई। तो आप नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर चेक की बटन मिलेगी, तो आपको इस चेक पर क्लिक करना एंड प्रोसीड हेयर टू क्लिक हेयर टू प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना, ठीक। उसके बाद आएंगे तो आपको यहाँ पर मैं बताता चलूँ, यहाँ पर आपको कैंडिडेट नेम, आपका जो नेम हो वो, उसका फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, उसके बाद जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको फ्री डीओबी इंटर करनी है। डीओबी इंटर के बाद आपको जेंडर, फिर उसके बाद आप अपना आधार कार्ड यहाँ पर नंबर दे सकते हैं, उसके बाद एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है, उसके बाद कंट्री स्टेट, उसके बाद जो है कि डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर फिल करनी है, उसके बाद पिन कोड, उसके बाद और कोई मोबाइल नंबर है तो वो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये चीज़ें। उसके बाद आपको फाइनली CMIS के बटन पर ये क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये 2 कॉपी होकर नीचे आ जाएगा, उसके बाद आपको पिन कोड, फिर यहाँ पर आपको एक जो है कि पासवर्ड चॉइस करना, आप अपने मन से पासवर्ड यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देना होगा, जो कि आपकी कोई फेवरेट बुक है उसका यहाँ पर आप नेम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी पिन इंटर करना, उसके बाद जो है सबमिट कर देना है। यहाँ पर देखें मैंने सब कुछ यहाँ पर फिलअप कर दिया, तो आपको ऐसे ही सारी चीज़ें यहाँ पर फिलअप कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है सबमिट की जो बटन मिल रही है, फाइनल जो है सबमिट की बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें मैंने सबमिट की बटन पर क्लिक कर दिया, तो सबमिट हो जाएगा। तो सबमिट होने के बाद आपको जो कि यहाँ पर देखें रिव्यू यहाँ पर पेजेस के लिए कहा जा रहा है कि आप रिव्यू कर लें, यदि एडिट करना चाहते हैं एडिट कर लें। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लोज ऊपर दिखेगा, आपको यहाँ पर मार्क कर दूँ, यहाँ पर क्लोज कर देना है। क्लोज़ कर देता हूँ और मैं ही ऊपर चलता हूँ। तो आपको एक बार सारी चीज़ें रिव्यू कर लेनी है एंड यहाँ पर इसको सारी चीज़ें चेक कर लेना, आपको ये सारी चीज़ जो आपने फिर उसको रिव्यू करना है एंड एक एक करके आपको चेक कर देना, ठीक है। यहाँ पर जो है कि मैं यहाँ पर
फिर उसके बाद आई एग्री पर भी चेक कर देना यदि आप एडिट करना चाहते हैं तो अभी भी आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करूँगा तो फिर एक पावर बॉक्स आएगा जिसको यस करने के लिए, कंफर्म के लिए यस कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि मैं यस कर दिया हूँ, उसके बाद जो है कि मुझे एक जो है कि रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। ठीक है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को जो है कि मुझे नोट कर लेना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर मुझे मिल चुका है, यहाँ पर आप लोग ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर दिया हूँ, बट आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, आपको ऊपर यहीं पर मिलेगा और SMS भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे नीचे और यहाँ पर देखिए आपको जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको तीन स्टेप अभी ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। ठीक, तो उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है कि कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म की बटन मिलेगी, आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कंप्लीट करना, वो अभी इनकम्प्लीट है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ओपन होगा और यहाँ पर आपको नेम ये सारी चीज़ आपने फिल की थी तो आप आइए नीचे। यहाँ पर आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है कि आपकी नेशनल इंडियन या फिर और कोई है। उसके बाद यहाँ पर क्या चीज़ें मांगी गई थी, यूपी के हैं तो यूपी के रहने वाले, तो यस पर क्लिक कर दें। यदि नहीं है तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप आएंगे नीचे तो उसके बाद आपको जो कि कैटेगरी चॉइस करनी है यहाँ पर अभी रिलोड। उसके बाद आपको यहाँ से कैटेगरी आपकी जो कैटेगरी वो चॉइस कर लें। उसके बाद आप इस पर क्लिक करें वुमेन या फिर नो, उस पर आप लोग क्लिक कर दें। उसके बाद आप फिजिकल हैंडीकेप हैं तो यस पर क्लिक करें, अन्यथा नो पर क्लिक करें PWD। उसके बाद आप थोड़ा सा पेज रिफर, उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है कि आपसे पूछा जा रहा है स्पोर्ट पर्सन ऑफ यूपी से हैं या फिर एक सर्विस मैन है तो वो, या फिर आप फ्रीडम फाइटर हैं, तो आपको ये तीनों चीज़ें कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर मैं कंप्लीट कर देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर जो है कि यस नो पर आपको क्लिक करना है, आपको आंसर यहाँ पर देना है। यहाँ पर पेज रिलोड हो रहा है। उसके बाद ये चीज़ें होने के बाद आप इस पर क्लिक करिएगा 25 वर्ड के लिए, आपको यस पर चेक कर देना। 25 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, ये आनी चाहिए आपको। उसके बाद आपको डाटा एंट्री वगैरह की, कंप्यूटर वगैरह की जो नॉलेज है वो आप पढ़े हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप जो है कि कोई आपका पीरियड जो है कि आर्मी वगैरह से हैं, जो कि टेरिटोरियल आर्मी होती है, यदि हैं तो आप यस पर क्लिक करें, अन्यथा नो पर क्लिक करें। उसके बाद आपको डू यू जो है कि बी सर्टिफिकेट जो होती है, यदि आपके पास वो है तो आप यस पर क्लिक करें, अन्यथा नो पर क्लिक करें। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको चेक करनी पड़ेगी, आपको डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस आप किसी भी इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट से पढ़े हों होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ओ लेवल सर्टिफिकेट है तो ओ लेवल सर्टिफिकेट पर क्लिक करें। यदि आपके पास ओ लेवल नहीं है, आपके पास जो है कि ट्रिपल सी की सर्टिफिकेट है तो आपको ट्रिपल सी पर चेक करना होगा। उसके बाद ये दोनों चीज़ें होने के बाद आपको यहाँ पर आप जो है कि अपना किस में लेना चाहते हैं, इंग्लिश हिंदी, उसको पेपर जो एग्ज़ाम होगा वो किस में देना चाहते हैं, इंग्लिश व हिंदी, वो आप चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको हाई स्कूल की डिटेल, पास आउट स्टेटस, ईयर पासिंग, कोर्स स्ट्रीम, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट, रिजल्ट मोड, उसके बाद इंटर की, उसके बाद आपको आना है नीचे, आपको ग्रेजुएशन वगैरह पूछी जाएगी वो आपको यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन ये कंपलसरी नहीं, जो आपके पास है जैसे कि हाई स्कूल इंटर की, उसके बाद डिप्लोमा की, तो वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद एनी अदर डिटेल्स पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको अदर डिटेल पूछी जाएगी। चलिए मैं ये फिल कर देता हूँ, उसके बाद अदर डिटेल पर आता हूँ। ठीक है, वो ऐसे ही फिलअप कर देना। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, यदि आपने जो है कि आपके पास एनी अदर डिटेल नहीं है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ऐसे ही यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया तो आपको ऐसे ही फिल कर देना। ठीक है, और आपको ये जो ग्रेजुएशन और जो है कि इंटर की डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही फिल करने के बाद आपको आना नीचे एंड जो है कि मैं यहाँ से सबमिट की बटन पर क्लिक कर देता हूँ, तो आपको भी ऐसे ही जो है कि सबमिट की बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर दोस्तों आपको यहाँ पर जो है कि रिव्यू करने के लिए कहा जाएगा, आपको एक बार रिव्यू कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लोज़ करता हूँ एंड यहाँ से एक बार आपको जो जो चीज़ें डिटेल फिल की है उसके बाद रिव्यू कर लेना है। रिव्यू करने के बाद आपको जितनी भी यहाँ पर मिल रहे हैं सबको चेक कर देना। ठीक, मैं यहाँ पर देखें जैसे कि मैंने चेक कर दिया। उसके बाद आपको आई एग्री पर भी चेक कर देना। उसके बाद यदि आप एडिट करना चाहते हैं यहाँ से एडिट कर दें, यदि फाइनल सबमिट करना चाहते हैं यहाँ पर फाइनल सबमिट कर दें। तो यहाँ पर जो कि मैं फाइनल सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद फिर एक पॉप बॉक्स है जिसको कंफर्म के लिए कहा जाएगा, तो मैं फाइनली यस की बटन पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों ये जो दूसरा स्टेप है ये भी कम्प्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है?